एक एक डुबकी मार लो फिर गरम गरम लगेगा। याद करेगी दुनिया। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सर मैं गुलफाम और आप देख रहे हैं गुलफाम के ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम पूरा मंसूरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम आपको यहाँ के सारे प्लेस दिखाएंगे, कहाँ कहाँ जाना है आपको। लेकिन एक चीज़ है, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, पीछे बिल्कुल बादल हो रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे। सुबह सुबह थोड़ा चाय पीना रुके, तो चाय के जस्ट पीछे ही व्यू देखो कितना अच्छा है। पूरे बादल हो रहे हैं नीचे की तरफ एकदम। और हमने चाय का ऑर्डर यहाँ पर दे दिया, चाय पीते फिर आगे चलते हैं हम लोग। उसका ब्रेकफास्ट चल रहा है पराठे और चाय से, तो ये साथ में खाके फिर चलते हैं। गाइस पराठे खा लिए और ड्राइव कर रहे हैं हमारे सैजाद भाई, हम चलते हैं आगे। सैजाद भाई आप कर रहे हो? हाँ भाई। तो हम चलते हैं आगे, सीधा मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कैंपटी फॉल। जा रहे हैं नीचे की तरफ और देखिए पूरे हम लोग बादल में चल रहे हैं। और भी देखिए इतना शानदार हो रहा अल्टीमेट एकदम। तो गाइस फाइनली हम लोग कैंपटी फॉल पहुंच गए हैं और ये नीचे की मार्केट का रास्ता है। छोटी मोटी शॉपिंग, गेम्स बच्चों के, पूरे गेम्स वगैरह सब कुछ है। इसे भी डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। उसका कितना चार्ज है? 200 रुपये आना जाना होगा। एक तरफ का भी हो जाता है टिकट, एक तरफ का अगर चाहे तो भी 200। आप एक तरफ से जाओ या आना जाना करो 200 रुपये ही चार्ज है। अगर आप पैदल जाओगे तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेंगे। जो लोग लिफ्ट से जाना चाहते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो पैदल ही जाएंगे। चलो जैसे वो सामने वो बाइक खड़े हैं और रस्सी से लटका के नीचे भेजते हैं, और ये अगर आप ट्रॉली से आना चाहो तो ऊपर से ट्रॉली से भी आ सकते हो वहाँ से। ये सीन अरे पूरा वाटर फॉल है, आप चलते हैं वाटर फॉल के पास। तो ये सब जगह फोटो शूट, आप यहाँ पे अपना फोटो शूट भी बहुत अच्छे कर सकते हो या करवा सकते हो, कैमरा मैन भी होते हैं यहाँ पे। बाकी आप देखते हैं चलते हैं अंदर। तो गाइस कपड़े कर लिया चेंज और मुझे अभी से ठंड लग रही है, अंदर कितना ठंडा पानी होगा देखते हैं। चलते हैं डुबकी मारते हैं। हे भाई चल रही है नहाने, एक एक डुबकी मार लो फिर गरम गरम लगेगा। आए गुलफाम भाई मजा आ गया ना डुबकी में, ठीक है। गाइस नहा लिया, बहुत ठंडा पानी है, उसके लिए मैं नहा 2 से 3 मिनट। अब करते हैं कपड़े चेंज, चलते हैं आगे। आगे आपको दिखाते हैं क्या होता है, बाकी मज़ा आ गया नहाने में एकदम जबरदस्त वाला। हाँ तो गाइस हम लोग आए हैं अभी हिमालय एडवेंचर पार्क में। यहाँ पे एडवेंचर होते हैं जैसे लाइक दिस कैंपिंग वगैरह, और ये अपना रस्सी से वहाँ लटक के वहाँ जाना, बहुत सारी जंपिंग रोपी होती है। तो यहाँ पे वो सामने देख रहे हैं आप, उसमें वो ऑफिस है, नीचे जा कर वहाँ पर जाके पता करते हैं कितने कितने की एंट्री है। फिर आपको मैं आगे और लोकेशन दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो गाइस हम भाई अंदर गए थे हिमालय एडवेंचर में, तो वहाँ वीडियोग्राफी मनाती, वो बेसिकली बच्चों का एडवेंचर है। 8 से 10 एडवेंचर कर सकते हैं, 500 रुपये चार्ज उसका। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो एक बार ट्राई करना बच्चों के लिए। बाकी ये है जिप लाइन, इसका 400 रुपये की टिकट है, वहाँ से ले आते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं बस। तो ये तो सिर्फ एडवेंचर है। तो ये हिमालय एडवेंचर पार्क जो है, हम कैंपटी फॉल से ऊपर आएंगे तो कैंपटी फॉल से हम 2-3 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो मसूरी वाले रोड पर पड़ता है।
पहले हम लोग भराते हैं तेल, फिर चलते हैं आगे। तो गाइज हम लोग कंपनी गार्डन पहुंच चुके हैं और एक बाइक हमने लगा दिया पार्किंग में। पार्किंग का रेट यहाँ पे 20 रुपए है और अंदर जाने के टिकट 25 रुपए। तो हम लोग लेते हैं 2 टिकट, ले लिए हमने टिकट, अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो गाइज हमारी एंट्री अंदर हो गई है, टिकट चेक करते हैं काउंटर पे। अब आप देखा, आपको छोटी सी मार्केट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ टॉय वॉय शॉपिंग के लिए भी है यहाँ पे, गन्स वगैरह, ये कुछ गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है। और कुछ एक छोटे से के लिए बच्चों के साथ एडवेंचर के लिए, थोड़ा फोटो शूट के लिए अच्छा है। और कुछ झूले वगैरह भी हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, और इन सब का रेट बताऊँगा कितने कितने। जैसे वो सामने झूला है, उसकी 100 रुपये की टिकट है, और ये जो है ये भी 100 रुपये की टिकट है, और ये भी झूला, इसके भी 100 रुपये की टिकट है। और फूड कोर्ट भी यहाँ पे बहुत है, आप खाने पीने के लिए भी अच्छा है। अंदर एक मिक्की माउस है, इसके भी 100 रुपीज़ की टिकट है। ये पूरा फूड कोर्ट है, कैफे रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो गाइज ये बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे, और बोटिंग इसका चार्ज 50 रुपीज़ पर पर्सन है। बजट है लेकिन छोटा सा, ये देखिए बस यहाँ से यहाँ तक लगभग 150 मीटर का है। तो गाइज आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी मिल जाएगा झरना देखने का। गाइज ये है हॉन्टेड हाउस, इसके टिकट 70 रुपीज़ की, जो कि मैंने भी लिया है, मैं अंदर जाकर देखूंगा। अब वीडियो में आ गया तो भाई ये क्या है भाई, देखा आपने अंदर एक बार तो पहले झटके में तो मैं भी डर गया, लेकिन सही है, दो बच्चे तो छोटे छोटे मुझे डर गया, कह रहा भैया मुझे पकड़ लो, मैंने फिर भाई को पकड़ा। और अंदर मतलब सही है, अगर आप कंपनी गार्डन आ रहे हो तो एक बार विजिट करना चाहिए। तो गाइस कंपनी गार्डन आपने देखा, कंपनी गार्डन बेसिकली सही है, अगर आप मंसूरी में हो तो 2 किलोमीटर ही है, और यहाँ पे बेसिकली फ़ोटो शूट के लिए अच्छी जगह है, फ़ोटो शूट कराओ। और बच्चों के थोड़े झूले हैं, हॉन्टेड हाउस है, और अपना बोटिंग है, 7-8 एडवेंचर है यहाँ भी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जगह। तो गाइस हम लोग आए हैं जॉर्ज एवरेस्ट पार्क, कश्मीर वाला व्यू है पूरा। तो अब हमें जाना ऊपर ट्रैकिंग करके पैदल, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस ये 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है पैदल की, हम लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग। शहजाद भाई है, देखो अभी 500 मीटर ही चल रहे, थक गए। हाँ कितना भाई, बहुत हालत खराब हो गई। तो भाई थक तो मैं भी गया, थोड़ा पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। यूट्यूबर या मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी यूट्यूबर, व्हाट्स योर चैनल नेम? गुलफाम के ब्लॉग्स, योर
चटनी सिंह। चटनी सिंह yes. अभी देखते हैं हम भी देखते हैं और बताओ सब ठीक ठाक। सब भाई कहाँ से है? हम करनाल से। हम दिल्ली से। ओके जपनीत या यस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। बाकी अब चलते हैं हम लोग आगे। तो गाइस यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, पानी की बोतल भी 50 रुपीज़ की दे रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शंस है ही नहीं, इसलिए जिन्हें भैया मजबूरी है तो लेनी पड़ेगी। तो गाइस हम लोग गियोर्गी एवरेस्ट पार्क पहुँच गए हैं और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। एक नंबर अल्टीमेट मौसम हो रहा है एकदम। तो गाइस देखा आपने कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है एकदम जबरदस्त और पूरा कोहरा हो गया एकदम पूरे बादल के अंदर हम लोग। और अभी हमें पहाड़ की चोटी पर जाना है, अभी 900 मीटर और है ऊपर। देख रहे हो गाइस एकदम बादल ही बादल हो रहे हैं, बादल ही बादल। तो गाइस ये देख रहे हो पूरा बादल में एकदम हुआ पड़ा है, मतलब पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है सर पहाड़ है ही नहीं यहाँ पे बड़े बड़े। अब ऊपर चल के और दिखाते हैं आपको। तो गाइस थोड़ा बैठ गए हैं, फ्रूट व्रूट खा रहे हैं, इसलिए फ्रूट लाया था। पूरी नीचे एकदम खाई है, ये देखो पास जाने में भी डर सा लग रहा है। बस चलते हैं, हवा निकल गई। Wow, very dangerous! यही नहीं अभी और सुनिए, चलते आगे। तो गाइस अभी तो रह गया आधा किलोमीटर और। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए और ऊपर आते आते आप तो हालत टाइट हो गई। कोई नहीं आपके लिए तो आना पड़ेगा ना, तो हम ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको पूरा। तो गाइस ये है व्यू और ये रहा हमारा भाई। बिल्कुल हम ये झंडा छूना आए हैं अपने देश के शान। तो गाइस बहुत मेहनत करी है भाई और मिलके सफल कराना है अपने छोटे भाई के चैनल को। ये भाई लोग है अपना देश की शान। लाइक करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का और मैं बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ, देख रहे हो और कितना क्राउड है ऊपर। तो गाइस ऊपर हम पहुँच गए हैं आपने देखा, और जब हमने बाइक पार्क करी थी जहाँ से मैंने आपको बताया था यहाँ 2500 रुपये की टिकट है, वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैक है और सिर्फ ऊपर यही देखने आना है। अगर आप लोग मसूरी में हों तो एक बार ज़रूर विजिट करना, एकदम ऑसम व्यू है, ऑसम जबरदस्त व्यू है। टॉप पे बैठ कर थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं पप्पी के साथ। अब हमें ऐसे गिराना है एक निशाने में आप बेटे। तो गाइस हम लोग आ रहे थे कैफे पड़ा, हम कैफे पे दिखाते हैं आपको कैफे कैसा है, बहुत सुंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे आने में हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं और जाने में लगे पूरे 2 घंटे। 2 घंटे में भाई साहब हालत टाइट हो गई, लेकिन ऊपर जाने का मसला ये हुआ ऊपर जाके सारी थकावट दूर हो गई। व्यू तो आपने देखा कैसा व्यू उसमें। तो गाइस स्कूटी हमारी हो गई है ख़राब, पहले हम स्कूटी सही कराते हैं। ब्रेक्स तो घिस गए पूरी स्कूटी के, तो हम ब्रेक्स तो डलवा रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग मंसूरी माल रोड पर पहुँच गए हैं। तो गाइज ये माल रोड है और यहाँ पे सारे अपनी शॉपिंग है ए टू जेड,
और बहुत अच्छे अच्छे फूड कोर्ट भी हैं और पार्लर्स भी हैं एंड और भी काफ़ी सारे फास्ट फूड के कॉर्नर हैं और बच्चों के कपड़ों के कॉर्नर हैं और माल रोड पर रात में बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ के बारे में, तो मंसूरी माल रोड पर जो होटल है वो काफ़ी कॉस्टली हैं और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें हैं ऑल ओवर शॉपिंग, पूरा शॉपिंग माल रोड है और माल रोड जो है 2 किलोमीटर लंबा है पूरा। तो इसमें अगर आप आओ तो माल रोड पर होटल ना लो, अगर आपका बजट सही नहीं है तो माल रोड से थोड़ा 500-600 मीटर अंदर में आपको 1000 से लेकर 1500 के बीच में होटल बहुत बढ़िया कंडीशन में मिल जाता है। और बाकी मेरा जो होटल है वो माल रोड से थोड़ा 600 मीटर अंदर को है। गाइस ये है मंसूरी का माल रोड और ये अपना चौराया है और ये गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, मेरा कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारा अंकल जी है गुजरात से और सिंगिंग देखो अंकल जी की। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाट से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया। तो गाइस ये है हमारा होटल, अब हम दिखाते हैं अपना रूम। तो गाइस कुछ हमारा रूम ऐसा है, ये गेट पे घुसते ही वॉशरूम मिल जाता है और ये कमरा है, कमरा भी सही है 2 बेड का, ये अपना एक सामने शीशा भी है, एक टीवी लगा हुआ है। हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग होटल में आ गए हैं और बहुत थकावट हो गई आज, इतना घूम लिए आप लोगों के लिए कि हम बता नहीं सकते, लेकिन थके पड़े हैं, अब आराम से हम लोग सोएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।